हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे हर्डमानिया की रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इन एसिडियन टैडपोल लार्वा। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके दो पार्ट में हम देखेंगे। पहले तो एसिडियन टैडपोल लार्वा, जो हर्डमानिया का लार्वा है, उसकी क्या स्ट्रक्चर है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या है, और उसी के बाद में इसमें क्या चेंजेस होते हैं एडल्ट बनने के वक्त। तो ये सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। इस प्रकार का जो कायंत्रण होता है, जिसमें लार्वा से व्यस्क बनने में कई उन्नत लक्षणों का डीजनरेशन हो जाता है। जो डीजनरेशन होता है वो जो है प्रोग्रेसिव करेक्टर्स अथवा प्रतिगामी कायंत्रण कहलाता है, क्योंकि ये जो डिजनरेशन हो जाता है ये करेक्टर्स का आहास हो जाता है। कायंत्रण के समय नोटोकॉर्ड, तंत्रिका रज्जू, सेरेब्रल वेसाइकल, ऑटोसिस्ट आदि का डिजनरेशन संभवतः व्यस्क के अति सरल एवं स्थानबद्ध जीवन के कारण होता है। तो ये हर्डमानिया में है। सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी कि प्रतिगामी कायंत्रण होता क्या है। हर्डमानिया का जो पूरा विवरण दिया था वो सेबेस्टियन और दास ने 1957 में दिया था। हर्डमानिया का जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है। इसके परिवर्धन के समय मैंने पहले भी बताया है कि एक फ्री स्विमिंग लार्वा, टैडपोल लार्वल देखा जाता है, जो मेटामॉर्फोसिस के उपरांत स्थानबद्ध एडल्ट में रूपांतरित हो जाता है। तो कायंत्रण क्या होता है? कुछ दिन या घंटे मुक्त रूप से तैरने के बाद लार्वा अपने चिपचिपे अंकुरकों द्वारा किसी अधोस्तर से चिपक जाता है और द्रुत गति से कायंत्रण करके एडल्ट अवस्था में पहुंच जाता है। अतः लार्वा अवस्था से प्रौढ़ अवस्था की जो परिवर्तित होने की प्रक्रिया है उसको कायंत्रण कहते हैं। अब इसका जो लार्वा है उसको हम बोलते हैं एसिडियन टैडपोल लार्वा। इस एसिडियन लार्वा का जो कायंत्रण होता है वो मेटामॉर्फोसिस के उपरांत जो टैडपोल से सेसाइल में परिवर्तित होता है, तो इस हर्डमानिया के टैडपोल लार्वा में उत्कृष्ट कॉर्डेटा के लक्षण होने के कारण ये लार्वा अवस्था में काट संरचना की उच्चतम स्थिति को प्रदर्शित करता है और इसमें निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। पूर्ण विकसित जो एसिडियन लार्वा की लंबी बेलनाकार तथा 1.2 mm लंबा और 0.3 mm चौड़ी रचना होती है। ये एक ट्रांसपेरेंट और मोटाइल लार्वा अवस्था है। इसका जो शरीर है एक ओवल शेप्ड ट्रंक और लंबी पार्श्वों से दबी हुई लेटरली कंप्रेस्ड टेल से मिलकर बनता है। जो टैडपोल का पूरा शरीर होता है वो एक पतले टेस्ट या चोल के द्वारा ढका रहता है। टेल के चारों ओर कॉडल फिन उपस्थित होती है। डायग्राम में हम आगे देखेंगे पूंछ के जो टेल के अक्ष में जिलेटिनस म्यूकोजा मटेरियल युक्त जो वैक्यूलेटेड नोटोकॉर्डल उपस्थित होती है। सेवन्थ पॉइंट में हम देखते हैं कि दृढ़ के डॉर्सल भाग में तंत्रिका रज्जू डायलेट करके मस्तिष्क में सेरेब्रल वेसाइकल बनाती है। ये कोशिकाओं के एकल स्तर से बना होता है। इसमें लार्वा के जो सेंसरी ऑर्गन हैं वो उपस्थित होते हैं। इनमें दो ओसिलाई उपस्थित होते हैं। एक ओसिलाई के जो पृष्ठ तथा दूसरा जो होता है वो अग्र अधर दिशा में उपस्थित होता है। ये फोटो रिसेप्टर होते हैं ओसिलाई। एक मध्य अधरीय वेंट्रल साइड में ऑटोसिस्ट भी उपस्थित होती है, जो इसको तैरने के वक्त इक्विलिब्रियम बनाए रखने का कार्य करती है। एट्थ पॉइंट में हम ये देखते हैं कि सेरेब्रल जो वेसाइकल के ठीक सामने एक ठोस मोटी गुच्छिका होती है जो संवेदी कोशिकाओं से बनी रहती है। सेरेब्रल कोन और ब्रेन कहलाती है।
इसी प्रकार सेरेब्रल वेसाइकल के पीछे विसरल गैंग्लियन भी पाया जाता है, जो पीछे की ओर नर्व कॉर्ड के रूप में प्रसारित रहता है। धड़ के अग्र पृष्ठ भाग पर माउथ उपस्थित होता है, जो एक छोटी आहार नाल में खुलता है। आहार नाल जो होती है वो इसोफेगस स्टमक और बेलनाकार जो है इंटेस्टाइन एवं एक छोटे रेक्टम में विभेदित रहती है। एनस जो होता है वो एट्रियम के लेफ्ट साइड में खुलता है। जो फेरिंग्स के पायों में एक जोड़ी स्टिग्मेटा तथा अधर में एक एंडोस्टाइल उपस्थित होती है। स्टिग्मेटा या क्लोम रंध्र जो होते हैं वो एट्रियम में खुलते हैं, जो स्वयं एक डोर्सल पोर द्वारा बाहर खुलता है। जो फेरिंग्स के वेंट्रल साइड में पेरिकार्डियम से ढका हुआ हार्ट उपस्थित होता है। एक्टोडर्म के नीचे शरीर के पूरे भाग में मेसेनकाइम सेल्स उपस्थित होती है। और जो धड़ के जो पोस्टीरियर भाग होता है उसमें कोशिकाओं का बना हुआ समूह होता है। तो टैडपोल लार्वा में प्रचलन अंग के रूप में मजबूत पेरेंटेल पाई जाती है, जिस पर टेस्ट का आवरण रहता है। ये जो लगभग जो टेल होती है वो 0.5 mm लंबी और लेटरली कंप्रेस्ड और पश्च जो पोस्टीरियर साइड से नुकीली होती है। पश्चिम पूंछ के जो आधार में प्रदान करने हेतु एक लंबी नोटोकॉर्ड भी पाई जाती है। नोटोकॉर्ड केवल लार्वा अवस्था में उपस्थित होती है। इसमें एक पृष्ठीय खोखली नर्व कॉर्ड भी पाई जाती है, जो टेल में एक मजबूत मस्कुलर बैंड भी पाया जाता है, सारी जो है खंडी भवन को भी दर्शाता है। तो ये हम डायग्राम में थोड़ा फोकस करें तो उसमें देखें जो टंक है पीछे टेल है और इसमें कॉर्डल फिन भी दिख रही है, टेल फिन, विसरल गैंग्लियन भी दिख रहे हैं, सेरेब्रल वेसाइकल और आगे की तरफ स्टिग्मेटा, ये फेरिंग्स में स्टिग्मेटा भी है, एडहेसिव पेपिली है और एंडोस्टाइल है, वेंट्रल साइड में इंटेस्टाइन है, स्टमक है और ये मेसेनकाइम सेल है और इसमें नर्व्स है, नोटोकॉर्ड है, नर्व कॉर्ड है, एट्रियल अपर्चर है। इस तो ये अंदर से हम स्ट्रक्चर देखें तो वो ऐसे लगता है कि हर्डमानिया का को हम फोकस करें तो सेरेब्रल वेसाइकल है ट्रंक का जो हम आगे का पोर्शन देख रहे हैं, और सेंसरी वेसाइकल है, विसरल गैंग्लियन है, पोस्टीरो डोर्सल ओसिलस है, ऑटोसिस्ट भी है, एक सिंगल सेरेब्रल कोन है इसमें और एंटीरो वेंट्रल ओसिलस है। टीएस करके देखते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, तो एक डोर्सल फिन है, एक वेंट्रल फिन है, एक्टोडर्म है, नर्व कॉर्ड है, नोटोकॉर्ड है और बाकी मस्कुलर बैंड है। तो इससे हमें ये स्पष्ट हो गया कि टैडपोल लार्वा जो है अधिक विकसित लक्षण पाए जाते हैं, और लक्षण जो होते हैं जो विकसित लक्षण हर्डमानिया से अधिक होते हैं वो है पृष्ठीय खोखली नालदार नर्व कॉर्ड की उपस्थिति, नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस, सेंसरी ऑर्गन बिल्कुल डेवलप्ड हैं, पूर्ण विकसित न जो ओसिलाई एवं ऑटोसिस्ट भी डेवलप्ड हैं, हृदय और पेरिकार्डियम की भी उपस्थिति है और ग्रसनी में जो है स्टिग्मेटा या क्लोम छिद्र युक्त ग्रसनी भी उपस्थित होती है। तो इस तरह से जो एसिडियन टैडपोल लार्वा है हर्डमानिया का, वो हर्डमानिया से ज़्यादा डेवलप्ड होता है, उसमें कॉर्डेट लक्षण जो पाए जाते हैं, इसी वजह से इसके अंदर इसी सिग्निफिकेंस के कारण हम इसको जो है आगे इसमें आहास हो जाएगा जब करेक्टर्स का जो नेक्स्ट पार्ट टू में देखेंगे कैसे डिजनरेशन होता है करेक्टर्स का हर्डमानिया जब अडल्ट बनता है, तो वो हम पार्ट टू में उसका स्टडी करेंगे। थैंक यू।